हाईटेक ट्रैफिक बेहतर इंदौर का दावा करने वाली शहर की यातायात पुलिस उस वक्त बेबस नजर आई जब नए वर्ष के जश्न में एक डूबे शहरवासियों के वाहन शहर के विभिन्न चौराहों और सड़कों पर फंस गए। विभिन्न धर्म स्थलों के सामने भी जाम की स्थिति बनी रही जिसके बाद लोग घंटों परेशान देखे गए। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर शहर में वैसे तो हर पर्व की एक अपनी छटा होती है, लेकिन नए वर्ष के दौरान युवाओं में विशेष जश्न देखने को मिलता है जिसके तहत पुलिस नए वर्ष के पूर्व शहर में इंतजाम तो तमाम तरह के करती है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बीते दिनों इंदौर शहर में नए वर्ष 2020 के आगाज में जमकर जश्न मनाया गया, किंतु लोगों के जश्न से चौराहों और सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों की फजीहत भी खूब देखने को मिली। दरअसल शहर के चौराहों की बात करें तो वैसे ही यहां आम दिनों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, किंतु विशेष दिनों में वाहन चालक शाम को घर पहुंचने वाले लोग बेबस और परेशान नजर आते हैं। मुख्यतः राशुका की कार्रवाई की गई है। जो चिन्हित तो जो माफिया और गुंडे तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, जिनके खासे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और काफ़ी जिनका भय और आतंक का वातावरण वो बना करके रखते हैं जिससे समाज में किसी तरह की लोक शांति को खतरा पैदा होता है, उन ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध ऐसे 16 लोगों के खिलाफ राशुका की कार्रवाई की गई है। और उसमें जो उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे लोग अपने आतंक और भय से आम जन को जनता को आतंकित ना कर सके, उनको पीड़ित परेशान ना कर सके, इसको देखते हुए ये कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और इसी प्रकार से जो कुछ अन्य लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लगे हुए हैं, स्पेशली जो माफिया टाइप के जो ऑपरेशंस में हैं, उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।